हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टूल्स एंड टेक्निक्स में। आज मैंने वीडियो बनाया है बाइक का जो मेन स्टैंड होता है, सेंटर स्टैंड, जिस पे हम बाइक खड़ी करते हैं। कई बार क्या होता है, जंग लगने के वजह से या किसी और प्रॉब्लम के कारण स्टैंड ख़राब हो जाता है, तो उसे चेंज करना पड़ता है। तो इसका मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं, ये पानी और मिट्टी लगने के कारण अंदर से पूरा सड़ गया होता है, तो ये आराम से निकलता नहीं है। तो इसके लिए इसे बीच में से काटना पड़ता है। इसे काटने के बाद इसके अंदर की जो पिन आती है उसे निकालनी पड़ती है। तो बाइक को एक तरफ पूरी तरह से झुका के साइलेंसर को निकाल देंगे और इसके बाद ग्राइंडर की मदद से हम स्टैंड को काटेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर एक क्वार्टर पिन लगी हुई होती है, तो क्वार्टर पिन निकाल देंगे, जिससे क्या होता है, पिन का जो आधा हिस्सा है वो बाहर आ जाए और स्टैंड के ऊपर जो स्प्रिंग लगा हुआ होता है उसे भी हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें नया लगाना है स्टैंड और स्प्रिंग दोनों। ये आप देख सकते हैं, ये स्टैंड अलग हो गया है। इसके बाद हमने जो ग्राइंडर की मदद से पिन को काटा था उसका आधा हिस्सा हमारा अभी भी चेचिस के अंदर फंसा हुआ है, जिसके ऊपर अब ब्रेक का पेडल लगता है हमारा, पीछे वाली ब्रेक का, तो उसे भी हम निकाल देंगे। किसी अच्छे टूल्स की मदद से हम उसके अंदर फंसी हुई पिन को निकाल देंगे। जो आप देख रहे हैं, ये हमने जो पिन काटी थी स्टैंड की उसका आधा हिस्सा है। हमारी जो स्प्लेंडर हीरो की गाड़ियाँ आती है उसमें जो ये ब्रेक का लीवर होता है पीछे का पैडल, वो मेन स्टैंड की पिन के अंदर लगा हुआ होता है, तो इसीलिए इसे भी निकालेंगे, बाद में इसमें नया इंस्टॉल कर देंगे। तो एक्सल की मदद से हम इसके अंदर फंसे हुए टुकड़े को बाहर निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये स्टैंड के अंदर इस तरह से ये पिन लगाई हुई होती है, ये इस तरह से पूरी इस तरह आमने सामने होती है। इसे हमने काट के निकाला है और ये स्टैंड के ऊपर का ये बुश है, ये पाइप है जिसे हमने काटा है। इसके बाद हम ब्रेक लीवर को सबसे पहले लगाएंगे और उसके अंदर हम नया पिन इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद हम नया वाला स्टैंड लगा देंगे। ये निकालने में दिक्कत होती है, लगाने में काफ़ी आसान होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसे जहाँ पे ये लगता है उसे वहाँ पे रख देंगे। और उसके बाद हमने जो नीचे पिन लगाया है उसे अंदर धकेल देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पिन का जो दूसरा छोर है ऊपर आ गया है, तो नीचे से हल्का सा हम धक्का देंगे जिससे ये पर आ जाए और इसके बाद हम इसके ऊपर क्वार्टर पिन लगा देंगे। प्लायर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्वार्टर पिन को लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो मेन स्टैंड है उसकी पिन चेचिस में से निकल ना जाए। इसके बाद हम स्प्रिंग लगाएंगे, तो सबसे पहले स्प्रिंग को आगे से लगा देंगे और बाद में किसी लोहे की चीज़ से इस तरह हम इसे खींच के ऊपर बिठा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।